उनके नाम के मांग के सिंदूर में लगा रही हूँ, बताइए भैया। और उनके नाम के सिंदूर में लगा रही हूँ, और मुझे यहाँ से पंजाब लेकर गए, पंजाब लेकर यहाँ आए, हमारी घर पे भी रहे हैं, पूरा पब्लिक विश्व लोग देखा है भैया, इससे प्रूफ ज्यादा क्या होता है भैया, आप ही बता दीजिए। हमारे साथ फोटो लिए हैं, हमारे साथ माइक में बोले हैं जो 7 जन्म उसके साथ रहूंगा, 7 जन्म उसके साथ रहूंगा भैया, तो इससे ज्यादा क्या प्रूफ होता है, प्रशासन भी इससे ज्यादा क्या प्रूफ मांगेगा। अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बताइए, अभी तो आपके पास जैसे आप बात कर रही है सभी आपका मतलब व्यवस्था अब हो चुकी है, आपको अब सहारा के लिए अब सरकार चाहिए और महिला विकास मंच के जो वीरा मानवी है उनका सहयोग चाहिए। तो अभी जो आप क्या कहना चाहेगी, जो कि पटना से जो कि बैठी रहती है, उनका कार्यालय है वीरा मानवी का पटना में, तो उनसे आप क्या आग्रह करना चाहती है, आप कैसा हेल्प लेना चाहती है उनसे? उनसे मैं बोलती हूँ और मेरा हेल्प कीजिए, आप मेरे पति को आप लोग छोड़वा दीजिए, प्रशासन से यही विनती कीजिए, आप लोग मेरे पति को छोड़वा दीजिए, मेरे पति मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो उनके मम्मी पापा तो चाहते हैं, इसीलिए जेल में उनको बंद करवाए हैं, जे इनसे छूटा छूटी हो जाएगा तो देखिए हमारा जिंदगी है, हम अच्छे तो लड़की हूँ नहीं जो मैं उसको छोड़ के उससे करूँगी शादी, उसको छोड़ के उससे शादी करूँगी, हम लोग का भाई इज्जत है क्या, हमारे में इज्जत नहीं है, हम क्या हमारे पैर नहीं, हमारी इज्जत नहीं है, हम इज्जत से हम जी रहे हैं। तो यानी अब आपको लगता है कि जो मतलब कि महिला विकास मंच के जो अधिकारी है वही आपको अब हेल्प कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि हाँ। यहाँ के प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है आपका? यहाँ के प्रशासन से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, अगर प्रशासन सहयोग मुझे मिलता तो मुझे पति जेल में थोड़ी ना होते, मैं एक महीना से अपने पति से दूर में थोड़ी ना जाती, एक महीना से मतलब दूर नहीं। बहुत सारे ऐसे जो कि दर्शक हैं जो देखने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, उनको लगता है कि आप जो कि इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाती है, रील बनाती है, ये सब बनाती है, तो हो सकता है कि शिवम जी कहीं बाहर कमाने के लिए चले गए हों? नहीं, वो बाहर कमाने के नहीं गए, वो जेल में है अभी, जेल में। अंत में आप क्या बोलिएगा? अंत में यही बोलना चाहती हूँ सर भैया, आप लोग मेरे हेल्प कीजिए, प्रशासन से मैं हेल्प मांगना चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को आप लोग रिहा कर दीजिए, मेरे पति मेरे पास में आ